दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड की एक एक्शन ड्रामा मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है दादागिरी। दोस्तों इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं धर्मेंद्र, गोविंदा, पद्मिनी कोल्हापुरी, अमरीश पुरी, रति अग्नोत्री, शशिकला, राकेश बेदी, सुधीर ढालवी, मणि किरानी, शिवा रिंदानी और बीजू खोटे जी। दोस्तों इसके अलावा इस मूवी को डायरेक्ट किया है दीपक सिद्धसानी जी ने और इस मूवी को प्रोड्यूस भी दीपक सिद्धसानी साहब जी ने ही किया है और इस मूवी को म्यूजिक दिया है अनु मलिक जी ने। तो दोस्तों अब हम आपको इस मूवी की स्टोरी के बारे में बताते हैं। तो दीपा अपने विदुर पिता के साथ एक गरीब जीवन शैली जीती है और धर्मा से प्यार करती है। उसके पिता बीमार हो जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता है। एक अमीर आदमी सिंह दीपा से शादी करने की पेशकश करता है और उसके बाद ही वह उसके पिता को आवश्यक उपचार दिलाएगा। दीपा सहमत हो जाती है और दिल टूटने वाला धर्मा अविवाहित रहने का फैसला करता है। शराब पीता है और गुंडा बन जाता है। दीपा एक बेटी बरखा को जन्म देती है लेकिन उसका पति मर जाता है और उसे बहुत अमीर बना देता है। उसका पूर्व अपराधी देवर भानु प्रताप नकदी की मांग करता है और वह उसे कुछ देती है लेकिन वह और अधिक चाहता है और मना करने पर उसे मार देता है। अपनी पत्नी शांति, बेटे रोशन और बेटी चांदनी के साथ बरखा की देखभाल करने के बहाने रहने लगता है। वह पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की उम्मीद करता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि दीपा ने एक वसीयत छोड़ी है जिसमें 21 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद पूरी संपत्ति बरखा को हस्तांतरित करना अनिवार्य है तो उसकी योजना विफल हो जाती है और वह उसकी पत्नी बरखा को प्रताड़ित करते हैं, उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और उसे घर का सारा काम करवाते हैं जबकि वे हर महीने राजसी भत्ता लेते हैं। सालों बाद बरखा बड़ी हो जाती है और अपने चाचा द्वारा कोड़े खाने के बाद भागने में सफल हो जाती है। एक गली मोहल्ले के लड़के सूरज से मिलती है और उससे प्यार करने लगती है। विडंबना यह है कि भानु प्रताप धर्मा को काम पर रखता है जो उसे ढूंढता है और वापस ले जाता है। उसके पास पूरी संपत्ति अपने चाचा को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। तो दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म की कहानी आगे क्या होती है ये आप फिल्म देखकर पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार मूवी है इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।